उनका ये मतलब तो नहीं है कि आप पुल को बंद करने जा रहे हैं इतने साल के लिए। जाहिर है आपने एक महीना, दो महीने, तीन महीने भी आप चीजों को बंद नहीं कर सकते। तो स्ट्रैटेजी तो एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि भाई लॉकडाउन में आप लोगों को आइसोलेट करेंगे, आप देखेंगे इनमें से कौन से बीमार हैं, उन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कोशिश करेंगे दोबारा उनको खोलने से पहले कि वो बाकी लोगों के साथ मिक्स नहीं हो और ये बीमारी को मजीद स्प्रेड नहीं करें। ये कॉन्सेप्ट है लॉकडाउन का, बड़ा सिंपल दुनिया को जो सब समझ आ रहा है। जिन मुल्कों ने तातील की जैसे की उन्हें उतना ज्यादा इसका खमियाजा मदद भुगतना पड़ा। पाकिस्तान में लोग भाई मुझे क्यों शौक हुआ चीज का कि लॉकडाउन, मैं काम से नहीं जाऊंगा, मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगा, मैं अगले महीने खाना कहाँ से खाऊंगा। तो ये परेशानी है। लेकिन एक तरफ एक हेल्थ क्राइसिस है, दूसरी तरफ एक इकोनॉमिक क्राइसिस है। आपने इन दोनों नीड्स को बैलेंस करना, ये लीडरशिप का चैलेंज है। इसमें आपको समझ ही नहीं आती कि फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। अच्छा बाबा साहब ये बताइएगा, आज फिरदौस आशिक आवाज साहिबा ने, यानी किस डेटा सेट के ऊपर आप फैसले कर रहे हैं? आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना था कि कुछ ही देर में नोटिफाई कर दिया जाएगा प्रोविंसेस को, ये ऑथराइज कर दिया जाएगा कि वो जरूरी समझते हैं तो अपने अपने सूबों में लॉकडाउन कर लें। अगर आज की सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो वजीर आजम की कल की तकरीर फिर क्यों थी? मेन यही गुजारिश है ना जनाब कि आपको तो सूबों को ऑथराइज करने की जरूरत नहीं है, उनके पास कानूनी अधिकार है कि वो ये कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। दर्रा था, पंजाब ने भी फैसला कर लिया। सो गुजारिश ये है कि एक थिंकिंग का, एक लॉजिकल थिंकिंग का कोई बैकग्राउंड समझ आना चाहिए ना कि वजीर आजम क्या करवा रहे हैं। क्या वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की जीन्स ऐसी है कि इन्हें वायरस नहीं लगेगा? क्या वो ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि गर्मी की वजह से नहीं आएगा? क्या वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों उसी तरह जिंदगी चलाते रहते हैं जिस तरह से चल रही थी? क्योंकि ना हम हॉस्पिटल की कैपेसिटी एनहांस कर सकते हैं, ना हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ना हम आइसोलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का डिफीडियस मैसेज देना इस वक्त मुल्क में, वो काशिप बाती ने उनसे सवाल पूछा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा हम लॉकडाउन एनफोर्स नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि जनाब गरीब मुल्क है, इसकी कैपेसिटी नहीं है, 2-3% लोग मरते हैं। तो क्या 2-3% लोग अगर पाकिस्तान के मर जाए आबादी में से, 2,210 मिलियन की आबादी में से, तो क्या वो एक्सेप्टेबल लॉस होगा? ठीक 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 है। और साहब आपका नुक्ता आ गया रीमा की फ्रस्ट्रेशन समझ आती है लेकिन प्लान समझ नहीं आता। रीमा आपकी जानिब आएंगे, ये बताइएगा कोई भी वजीर आजम की नीयत पर शुबा नहीं कर रहा, हर पाकिस्तानी इस वक्त मुहिब वतन पाकिस्तानी है, बेस्ट इंटरेस्ट में मिलकर फैसला करेगा। क्या उन्हें जो मशवरे मिल रहे हैं, क्या जो सूरत हाल उनके सामने पेश की जा रही है, आप समझती है वो दुरुस्त है? क्योंकि वजीर आजम का जो लॉकडाउन वर्ल्ड का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंफ्यूज जैसी है। आज आपसे कुछ देर पहले बुजार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी वो बार बार ये कह रहे थे सर लॉकडाउन ना कहा जाए, सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे, गैर सरकारी इदारे बंद रहेंगे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन सर लॉकडाउन ना कहा जाए, तो क्या अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है? जी शुक्रिया। बहुत से मसाइल हैं, दो जो मुझे समझ आते हैं। पहली तो ये जो फॉल्स डाइकोटमी है कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो जो अमीर है उनको फायदा होगा, जो गरीब है वो पिसेंगे। मेरा ख्याल है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत अहम बात है जिसको एड्रेस हमें करना चाहिए, और मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई आसान फैसले नहीं है, पूरी दुनिया को बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, और ये भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि एकदम प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एक डिसीजन लें और वो कहीं बस यही फैसला है और किसी की बात ना सुने। ऑफकोर्स हर डिसीजन है उसका कॉस्ट है, उसका बेनिफिट है, लेकिन ये कहना कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो जो गरीब तबका है वो पिसेगा, ये मेरा ख्याल है गलत बात है। क्योंकि हमें ये भी सोचना है कि लॉकडाउन जो है वो इस जो क्राइसिस है इसकी स्प्रेड को रोकने के लिए है, और अगर ये स्प्रेड नहीं रुकेगा तो गरीब लोग ज्यादा अफेक्ट होंगे। वो वायरस से इम्यून नहीं है, अगर वो बीमार होते हैं उन्हें गवर्नमेंट अस्पतालों में जाना होगा, वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, उनकी जो हेल्थ के कंसर्न है, उनकी जो जान के कंसर्न है वो होंगे। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उनकी वेजेस जो है, उनका काम है, हमने उनको आउट ऑफ वर्क नहीं करना, बाद में आप क्या करेंगे जब ये वायरस जो है स्प्रेड हो जाएगा। ये बहुत अहम बात है, और अगर आप लोगों को कह रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करें, घर पे रहें, तो आप क्या आप अपना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं कि आप गरीब लोगों की जो माइनॉरिटी क्लासेस है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जरूरत है? और मैं उम्मीद करती हूँ कल कुछ पैकेजेस अनाउंस होने के रखी एक्सपेक्टेशन है वो इस बात को एड्रेस करेंगे। आपने लोगों को तक खाना पहुंचाना है जो गरीब लोग हैं, आपने उनकी जिस हद तक हो सके उनकी आमदनी महफूज करनी है, और ये गवर्नमेंट
में बहुत सारे कवान साहिबा ने भी कहा कि कोरोना वायरस से लोग मरते नहीं है, जानलेवा नहीं है, खतरनाक है। ये कैसी बात है? आपको लोगों तक जो फैक्ट्स है वो पहुंचाने हैं। फैक्ट्स ये है कि ये एक जानलेवा बीमारी है। हाँ, कुछ हाई रिस्क लोग हैं जिनके ज्यादा खतरा है कि वो इस पे उनके ज्यादा रिस्क हो, लेकिन ये जानलेवा बीमारी है। आप लोगों की पैनिक कम करने के लिए उन तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जब वो 90% लोग तो घर बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे, ये गलत बात है। मेरा ख्याल है फैक्ट सही होने जरूरी है। और दूसरा, हुकूमत अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं अपना कर सकती कि उनको इवेंचुअली कुछ करना पड़ेगा गरीब लोगों के। ठीक है, हमारे साथ मजीद पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने नाज़रीन को समझाना चाहते हैं कि लॉकडाउन होता क्या है। लॉकडाउन का मतलब यह है कि लोगों को किसी एक जगह पर मखलूत महाफिल या गैदरिंग्स करने से रोका जा सके, उन्हें पाबंद किया जाए कि वो गैर जरूरी तौर पर अपने घर से ना निकले। अगर आपको अशियाए जरूरियात खरीदनी है, अगर आपको फार्मेसी जाना है, या अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ आपका पहुँचना जरूरी है, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, मीडिया से वाबस्ता हैं, या आप जो सप्लाई लाइन्स हैं जो लोगों को फूड पहुँचाती है, राशन पहुंचाती है, उसका हिस्सा है, तो आप घर से निकल सकते हैं। इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। साथ ही स्पेन और इटली, भारत जहां पर जनता कर्फ्यू नाफिज है, वहां पर लोगों ने तफरी के कुछ मौके निकाले हैं। स्पेन में पुलिस आती है, म्यूजिक बजाती है, इटली में लोग अपनी बालकनीज में जमा होते हैं, मिलकर गाने गाते हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंट भारत में भी किया गया। तो ये जरूरी है कि लॉकडाउन का समझा जाए और जो डिप्रेशन इसके नतीजे में क्रिएट होगा उसको निकालने के मौके भी ढूंढे जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर इस मौजूद पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ